नमस्कार दोस्तों, अतरौलिया आजमगढ़ से आपका स्वागत है। मैं पहुंच चुका हूं अभी अतरौलिया में और हमारे पीछे यह है सौ सैया का संयुक्त जिला चिकित्सालय। ये आप हमारे पीछे फोर लेन देख रहे हैं। फोर लेन जो है आपको आजमगढ़ से और टांडा बस्ती को जोड़ता है, तो अब काफ़ी डेवलप हो चुका है। आज के 10 साल पहले जो अतरौलिया था, अब वो अतरौलिया नहीं रहा, काफ़ी डेवलप हो चुका है। काफ़ी दुकानें और काफ़ी नई नई चीज़ें बन चुकी है। तो आइए चलते हैं सीधे GoPro वाले कैमरे में मिलते हैं। खाना अतरौलिया, इधर तो रोड पूरी खराब हो गई। यहाँ थाने के पीछे कोई मंदिर बता रहे, थाने के अंदर से रास्ता है क्या? यहाँ पे कोई मंदिर है क्या थाने के पीछे? थाने पीछे नहीं है, आगे सामने। अच्छा, सामने किसका मंदिर है? भोलेनाथ बाबा। भोलेनाथ बाबा का पहले स्थान है, सीधा तब चल जाइएगा, मुड़िएगा नहीं। अच्छा अच्छा, सीधा निकल जाइएगा, एकदम बस स्थान चल जाइएगा। कितना दूर है यहाँ से? मुश्किल से 10 कदम है, समझ लीजिए किसी के बाद आई है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ तो जेसीबी लगी है और पूरा रोड ही खोद दिया है। कैसे जाओगे बताओ, इसमें जाना ही मुश्किल काम है। क्या करें बताओ, लौट ले, लौट ले हैं? बना तो रहा है, बराबर तो कर रहा है। जाए भैया, चले जाए। अरे बाप रे बाप, कहीं पंचर ना हो जाए, पता चला हमें कल जाने में दिक्कत हो गई। ये बुलेट है तो निकल जा रही है, दूसरी तो बहुत रिस्की हो गया निकलना इधर से। कोई नुकीला पत्थर लग गया तो समझो कि टायर गया। वैसे ही टायर था, वैसे ही टायर इसका काफ़ी पुराना हो गया है। ये तो गांव का मंदिर है। अच्छा, वो जंगल में है क्या? किसी ने बड़ा अच्छा मकान बनाया है यहाँ पे, रामचेत गौड़।
अभी हम कैलेश्वर धाम में हैं और कैली के नाम से जगह फेमस है और हम महंत जी के पास में ही बैठे हुए हैं और इनकी कुटिया में बैठे हुए हैं। काफ़ी बिल्कुल एयर कंडीशन जैसी यहाँ पे ठंडा और हवा आ रही है। तो बाबा जी के साथ चर्चा चल रही है और बाबा जी इस स्थान के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे हैं, काफ़ी नॉलेज वाली चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ें इन लोगों के पास जो जानकारियाँ हैं और हम चाहते हैं कि वो जो जानकारियाँ हैं, नॉलेज हैं, वो हम नए ज़माने के लोगों के साथ वो चीज़ें ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए। नहीं तो होगा क्या, इन लोगों के साथ में वो जो नॉलेज है, जो जानकारी है, वो भी चली जाएगी। तो नॉलेज का ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है कि हम नई पीढ़ी के लोगों तक जो इनके पास नॉलेज था, पुराना अपना ज्ञान था, वो हम लोगों तक वो पहुँचता रहे, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक वो ट्रांसफ़र होता रहे। तो बाबा जी से और भी कुछ जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, आइए चलिए मिलते हैं बाबा जी से। बाबा जी बताएं इस स्थान के बारे में, इस पवित्र स्थान के बारे में कुछ बताएं। 500 साल पुराना आप बता रहे थे, कुछ और भी हमें ज्ञान दे दीजिए, अपना पुराना जो ज्ञान है आपके पास, जो नॉलेज है। ज्ञान भगवान का ध्यान, दुनिया से रही भगवान का ध्यान, जीव का गति सतलोक, ये सतलोक का सौदा है, यमलोक में फंसा है, सब मोह में फंसे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अखंड दीप अक्टूबर में 90 पे वो मालिक के दया जी। मोक्ष की साधन ना, मोक्ष ये दुनिया के मेला में फुलाए लें, 84 जाई होगी, मालिक की दया का अपमान और है क्या, और क्या है, सही कह रहा है। हार मार का सौदा, देर रात रौदा, कहा कुछ नहीं, इसलिए इंसान को कुछ न कुछ अच्छे कर्म कर ही लेने चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं है, कब आदमी कब कैसे क्या होगा किसी के साथ में। परमात्मा की सत्ता चले थी, 24 घंटा मंदिर याद करती। आप मुझे लगता है कि 12वें महंत है यहाँ के, 12वें महंत हैं। महंत हम ना है, अच्छा हम तो राही है, भूमंडल को मालिक राम, तेरे सामने हर मास महंत बने। लोट पोट के झाड़ू उदार बना, भगवान का आराधना करा, ये तो आपका बड़प्पन है, धरती धन परमात्मा का है जी। ये तो जनता ने आपको महंत की पदवी दे दी ने, वो जनता आधर खोपड़ी है। जनता आधर खोपड़ी है, जनता बाबा साधु कहे ले, ये देहिया नाई कुछ कहे। बाबा जी यहाँ के बारे में बताइए, इतिहास कितना पुराना इतिहास है?
अब यहाँ तो समझिए हम छठवीं पीढ़ी पर हैं और इसे बहुत पुराना यह स्थान है। यहाँ लोग अत्रि मुनि को बताते हैं कि अत्रि मुनि यहाँ तपस्या किए थे। अच्छा अच्छा, उसी के नाम पे अतरौलिया पड़ा। अत्रि मुनि तपस्या करते थे उसी के नाम मुनि के। त्रेता युग के समय से, त्रेता युग के समय का तो युग तो मैंने हमेशा समाप्त होता रहता है। चार युग, चारों युग बीतता है तो एक चौकड़ी बोलती है और फिर कितनी चौकड़ी बीतने के बाद मनवंतर होता है। तो लोग बताते हैं इसी तरह से, लेकिन अब ये देखने में ही मालूम पड़ता है कि कम से कम 600-700-500 वर्ष पुराना तो बरगद का वृक्ष होगा। और ये शिव जी जो है पतालपुरी शिव जी हैं, अपने आप मैंने स्वयं निकले हुए हैं, स्वयं निकले हुए हैं और किसी को इनका याद नहीं आता है कि ये कब के हैं, नहीं पाए तो कब जो है आए और कब चले गए। लोग बताते हैं कि ये ताल में शेर की भसेर होती थी, राखी पी करके आते थे। अच्छा अच्छा, उनके शिष्य से गुरुचरण दास जी हुए जो समाधि है दक्षिण बनी हुई है। अच्छा हाँ, तो उन्हीं के समय में गुरुप्रसाद साहब थे अतरौलिया के, मंदिर बनवाए, शिव जी का मंदिर बनवा रहे थे तो मंदिर गिर जा रहा था, दिन में बनवाते रात्रि में गिर जाता था। अच्छा अच्छा, तो उसके बाद जो है उनको स्वप्न हुआ, जब सेठ जी उनसे प्रार्थना किए बाबा जी से तो स्वप्न हुआ कि मैं झारखंडे हूँ, मेरा बरगद मंदिर है और आपको बनवाना है तो ठाकुर जी का मंदिर राम जानकी मंदिर बनवा दीजिए, तो ही मंदिर बनवाए। अच्छा, तो उनके बाद उनके शिष्य हुए टूटा दास जी, लोग कहते हैं लेकिन रामदास जी नाम था उनका, रामदास जी जी, उनकी समाधि यहाँ बनी हुई है। अच्छा, और वो जो है बहुत मने जितने महासंत यहाँ हुए सब बड़े तपस्वी हुए हैं और बहुत सिद्ध पुरुष थे। उनके समय में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, पोखरा बना और यहाँ मैंने जितना भी कार्य हुआ उन्हीं के समय में, टूटा बाबा के समय। अच्छा, टूटा बाबा के समय। और उनके बाद फिर जगत दास जी हुए हैं और इनकी जन्मभूमि ही थी, टूटा दास जी यहाँ अतरौलिया के थे, जन्मभूमि है। और जगत दास बाबा बहुत सिद्ध महात्मा हुए, वो उनको गुरुमंत्र नहीं उनके गुरु जी दे रहे थे कि निभा नहीं पाएंगे तो अपना वो लिंग ही काट दिए। अच्छा जी, बहुत सिद्ध महात्मा थे। और जब भागने लगे तो उनके माता पीछे पीछे दौड़ती हुई आई तो बोले कि कहीं पर भाग रहे हैं, तो वो भी गए, टूटा बाबा भी गए। तो यहाँ बरगद का वृक्ष है दक्षिण तरफ, हाँ, उसी पर चढ़ गए। अच्छा, तो ये लोग सोचे कहाँ पे चले गए, तो टूटा बाबा मैंने अपने ध्यान से लगाया तो बरगद के वृक्ष पे मिले। अच्छा, वहाँ से लेकर गया तो उनको गुरुमंत्र दिए और बोले कि अब कहीं पर नहीं जाओगे, तो बोले कि नहीं, तब तीन त्रिवचा ले करके फिर उनको बोल दिया घर पर रहो। तो जब उनकी शरीर छोड़ती है, एक पुजारी महावीर दास जी थे उनके शिष्य, मैंने दो शिष्य थे बाबा जगत दास और महावीर दास, तो महावीर दास की शरीर पहले छूटी। अच्छा अच्छा, और जब शरीर छूटी तो ये लोग बताते हैं जल प्रवाह करने गए थे, तो जल प्रवाह करके जब लौट रहे थे तो उनकी जो पार्थिव शरीर है उनके पैर के हाथ करके लगी, तो ये बोले कि मुझको भी बुला रहे हो तो मैं भी आ रहा हूँ। एक हफ्ते में इनकी भी शरीर छूट गई और समझिए कि दोनों का भंडारा एक साथ हुआ। फिर बाबा जगत दास को बुला करके यहाँ मंत्री वंती दे करके अपना ये भी शरीर छोड़ दिए। तो जगत दास भी बहुत सिद्ध महात्मा हुए, जिसको जो कह देते थे तो सब सिद्ध हो जाता था। अच्छा, बहुत सिद्ध महात्मा थे, आज भी उनको लोग देखते हैं, आमर के रूप में आज भी हैं उनके। शिष्य फिर श्रीकांत दास जी, श्रीकांत दास जी अभी हैं वृद्ध हो गए हैं, 80-85 साल की उम्र होगी। अच्छा, और अपना पूजा चलते फिरते हैं जी जी, जब तक पूजा पाठ करते हैं। और उनके प्रथम शिष्य हम हैं, 1988 से यहाँ रहते हैं। अच्छा अच्छा, और फिर एक दूसरा शिष्य बनाए हैं राम दिलीप दास उनका नाम है। अच्छा हाँ, वो रहते हैं और जगत भगत मने लोग रहते हैं, यही सब है। और बीच में सुभाष चेयरमैन सब विकास करवाए और इस समय सब तो हुआ, लेकिन पोखरा वही बाकी है। हाँ, थोड़ा इसमें प्रयास किया जा रहा है कि रास्ता पोखरा भी बन जाए। कहीं भी मताई निकलती थी, हाँ, तो वहाँ जगतदास बाबा जाते थे तो तुरंत मताई भाग जाती थी। अच्छा, और टूटा बाबा जो है जितने भी जहाँ भी ये जैसे सभी लोग के घर में भूत प्रेत रहते थे, मरम मुरम रहते थे, हाँ, उनके जाने से सब लोग भाग जाते थे और वो देखते थे कौन आ रहा कौन जा रहा है। ये सब बहुत सिद्ध महात्मा हुए और जो इनका दर्शन करने आते थे उनका मनोरथ अपने आप पूरा हो जाता। हाँ, इसी के कारण जो है ये कैलिया मैंने कैलेश्वर धाम प्रसिद्ध हुआ। कैलेश्वर धाम प्रसिद्ध हुआ। और हम लोग हमारे साथ भैया मिल गए हैं और यहीं पे आपका घर है, किस गांव बता रहे थे आप? पजरी
पचरी भगतपुर में है। क्या नाम है आपका? राम कृपाल वर्मा जी। राम कृपाल वर्मा जी हैं। और भाई साहब आपका नाम? हमारा नाम जय प्रकाश। जय प्रकाश जी हैं। और इन लोगों के सहयोग से कालेश्वर धाम का हमारा दर्शन हुआ और बड़ा अच्छा यहाँ का रहा पूरा। तो काफ़ी अच्छी जगह है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और शिव के स्थान यहाँ पे बने हुए हैं और नेचुरल शिवलिंग है इस जगह पे निकला हुआ है, आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ में ठाकुर जी का भी यहाँ पे मंदिर बना हुआ है और यहाँ पे दुर्गा जी का भी मंदिर बना हुआ है। और कुछ ये जो समाधि है किसकी बता रहे थे? किसकी है? हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी का टेम्पल है, टूटा बाबा, टूटा बाबा की समाधि है, उनकी भी काफ़ी प्रसिद्धि रही है पुरानी। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो के नए वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।